मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन को राजस्व अभिलेखों में पहले कब्रिस्तान फिर पुरानी आबादी दर्ज कर दिया गया। इस मामले में आज हाईकोर्ट ने तहसीलदार छाता को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि शाहपुर गाँव के प्लॉट 1081 की स्थिति राजस्व अधिकारी द्वारा समय समय पर क्यों बदली गई। श्री बांके बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि प्राचीन काल से ही गाटा संख्या 1081 बांके बिहारी महाराज के नाम से दर्ज था, लेकिन भोला खान पठान ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से 1994 में उक्त भूमि को कब्रिस्तान दर्ज करा लिया। जानकारी होने पर मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले में आपत्ति दाखिल की, जिसके बाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 7 सदस्य टीम बनाई। जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान गलत दर्ज किया गया है। इसके बावजूद जमीन पर बिहारी जी का नाम नहीं दर्ज किया गया, जिस पर यह याचिका दायर की गई है। तो मथुरा बांके बिहारी मंदिर के जमीन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक खास आज सुनवाई होने जा रही है, जिसमें छाता के तहसीलदार से पूछा जाएगा कि वक्त वक्त पर क्यों नाम में बदलाव किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।